अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। सर्दियों से पहले शेड की सफाई करने लगा हूँ एक दो, और एक नया टूल लेके आया हूँ सफाई के लिए, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा जी। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ना गंद वगैरह अंदर पड़ा हुआ है। तो दो ही जानवर हैं, उसकी वजह से गर्मियाँ भी थी तो इतना कोई मसला बन नहीं रहा था, लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ये एक दफ़ा जो है ना सारा अंदर से गंद निकालना है, और जो पैलेट्स हैं वो मैं लगा दूँगा। बाकी अभी रात को ठंड हो जाती है, हल्की फुल्की हवा चल रही होती है, तो इसलिए एक रटपाल मैंने जो है ना लगाई हुई है। और ये है कि यहाँ पे तीन साइड पे दीवार हो जाती है तो एक कमरा नुमा सा बन जाता है, तो दोनों जो है ना यहाँ पे आके ये बकरा और बकरी बैठ जाते हैं। तो बकरे को इस टाइम मैंने बांधा हुआ है, काफ़ी तंग करता है ये, वैसे ये आजकल खुला रहता है, तो इसको भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज ही जो है ना परले खाने में भी शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे शक पड़ा है कि बकरी जो है ना ये गबन हो गई हुई है। तो कंफर्म नहीं है लेकिन काफ़ी जो है ना चांस है कि ये गबन हो गई है। तो बहरहाल जो टूल मैं लेके आया हूँ उसका जो है ना काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो आमतौर पे बाड़ों में सफाई के लिए रखा जाता है, पौड़ा उसको कहते हैं हमारी ज़बान में। तो वो ये है कि अभी ये काफ़ी तकरीबन 16 फुट जगह बनती है, तो इसको रंबी के साथ खुरचना बैठ के काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उससे ये आसानी होगी खड़े खड़े जो है ना सफाई हो जाएगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिसने भी ये स्पेशली छत के परफॉर्मिंग करनी है पक्की ईंटों पे, तो वो ये पौड़ा जो है ना वो लेके आए। तो वो ये चीज़ है, ठीक है, कई नुमाई होता है ये, तो दस्ता इसका ज़रा लंबा होता है और नीचे से इसकी ये शेप है, तो ये आराम से पकड़ के आप छत के साथ खुरचेंगे तो ये सारी जो मेंगने जो भी गंद वगैरह है वो इकट्ठा करता रहेगा। तो चले मैं ये सफाई शुरू कर दूँ। तो जानवर माशाल्लाह सेहतमंद है, ये रांझे को जब से मैंने खोला उसके बाद से इसकी सेहत में जो है ना काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जानवर खुला रहे तो चाहे थोड़ी भी जगह हो तो उसमें भी वो अच्छा महसूस करता है जी। तो ये थोड़ा सा आपको डेमो भी दे दूँ कि कितनी आराम से ये सफाई कर लेता है। तो सिंपल इसको ऐसे रखा है और खींच ही रहा हूँ बस, तो देखें नीचे से साफ बिल्कुल हो गया। तो इसी तरह जो है ना ये सारी सफाई मैं करूँगा। तो बकरी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि बकरी आपको याद होगा बड़ी से पहले एक दफ़ा ये हीट में आई थी, मैंने जिक्र किया हुआ किसी वीडियो में अपनी, तो मुझे लगता है कि उस दौरान ही जो है ना ये क्रॉस हो गई थी। मैंने जब आगे इसको देखा था तब मैंने इसको बांध दिया था, लेकिन मैं भी उससे पहले ही जो है ना ये क्रॉस हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से मुझे जो है ना ये लगता है कि इस टाइम गबन है तकरीबन 3 माह और 4-5 दिन की। तो अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन काफ़ी जो है ना इस तरह के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर गबन होगी तो फिर भी वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो फिर मसला ये है कि अल्ट्रासाउंड से ही सिर्फ कंफर्म हो सकती है चीज़। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल अल्ट्रासाउंड की, तो उधर इसको ले जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 15-20 दिन मज़ीद वेट कर लूँ, उस दौरान अगर कंफर्म हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अल्ट्रासाउंड करवा के तो इसको जो है ना क्रॉस करवाऊँगा। चलें मैं ये सफाई का काम शुरू करता हूँ जी। तो वो हिस्सा देखें अब साफ़ हो गया है, तो वो बेसिकली खुश्क था, तो अब यहाँ पे जो है ना नमी ज़्यादा है, पेशाब वगैरह यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, तो इधर कुछ जमा भी हुआ नीचे माल, तो देखते हैं यहाँ पे ये कैसे काम करता है। देखें कैसे खुर्च के जो है ना गंद को लेके आ रहा है, तो पहले से जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है और बहुत कम टाइम में जो है ना ये काम हो गया है। लास्ट टाइम जब मैंने सफाई की थी मुझे याद है शायद तकरीबन पूरा घंटा ही लग गया था, और खुर्चना भी बहुत मुश्किल काम था। तो अभी ये है कि जो ढेरी ये लागी है इसको पहले मैं बाहर निकालूंगा, उसके बाद जो है ना बाकी की सफाई भी हो जाएगी जी। तो ये देखें सफाई कंप्लीट कर दी है, तो इसमें अब थोड़ी देर तक जाके तो ये इसको जो ये खाना है इसको साफ़ करने की कोशिश करूँगा,
या अगर इसी खाने को पार्टीशन की जा सके, वो जो बड़ा वाला खाना है उसके दो कर सकें तो वो कर लूँगा, क्योंकि इसमें सामान वगैरह भी रखा जा सकता है। तो इस तरह ये है कि एक जानवर के लिए 8 फुट बाई 6 फुट का खाना बन जाएगा वहाँ पर, तो वो भी इनफ है। तो बाकी पैलेट्स वगैरह रखूँगा और बाकी इस तरह का जो है ना मामला। तो अभी बेसिकली आप लोगों को जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस टूल ने काफ़ी मदद दी है जल्दी सफाई करने में। डेफिनेटली यहाँ पे जो गीली जगह थी, ठीक है, वहाँ पे जमा हुआ था मामला, उसको कांडी की मदद से ही खुरचना पड़ा था। लेकिन ये कि ऊपर मोटा मोटा मलबा होता है वो आराम से इकट्ठा किया जा सकता है। और अब आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा या कम से कम 1 दफ़ा सफाई कर दिया करूँ, तो ये ज़्यादा नीचे जमेगा भी नहीं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें और दुआ करें कि ये बकरी गबन हो और खैर करिए इससे बच्चे भी दे दें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।